करनाल विधानसभा के रामनगर स्थित खादी आश्रम पोलिंग बूथ पर फर्जी वोट डालने का मामला प्रकाश में आया है। वोट डालने गई उषा रानी ने बताया कि जैसे ही वह पोलिंग बूथ पर वोट डालने गई तो उनकी वोट कोई और डाल चुका था और चुनाव अधिकारी के रजिस्टर में साइन भी किए जा चुके थे। उषा रानी की लड़की उनके साथ थी, जिसके विरोध करने पर दोबारा से उसे सीरियल नंबर 170 पर चुनाव अधिकारियों द्वारा वोट डलवाई गई और उसके साइन भी करवाए गए। उसकी पुत्री ने कहा कि अगर इसी तरह फर्जी वोट डालते रहे तो लोकतंत्र के मायने ही नहीं रहेंगे। कुछ नहीं, हमारा वो कोई और डाल गया था, हम अब डाला है, अपना राइट मांगे। हमारे इसी सीरियल नंबर पे 177 सीरियल नंबर है, जिसमें हमने पहले वोट कोई और डाल गया था उसका, इस हम वोट देने के लिए आए हैं। मेरी मदर का वोट था, जिनका नाम उषा रानी है, और ये पहले वोट किसी और ने डाला और हमने चेकिंग करी तो उन्होंने हमारे को वोट देने से मना कर दिया कि ये वोट पहले से आ चुका है, बट हमने ऐसा वोट दिया ही नहीं पहले, और साइन भी हुए पड़े थे। हमने सारे रजिस्टर चेक करा, सब जगह एंट्री थी और साइन भी थे, अंगूठा भी लगा हुआ था। फिर इन्होंने अब कहा कि थोड़ा टाइम दो हमें, हम यहाँ पर ड्यूटी पर है। मैंने इनसे बात की कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर की भी कोई ड्यूटी होती है, तो इन्होंने कहा कि हमें थोड़ा सा टाइम दो, हम देखते हैं, बात करते हैं, आधे घंटे तक आना। फिर हमको इन्होंने बुलाया और दोबारा से 177 ही सीरियल नंबर इन्होंने लिया और उस पर एंट्री करवाई है हमारी और साइन लिए और हमने वोट दिया। हाँ जी, क्या नाम है इनका जिनका वोट था? उषा रानी है इनका नाम, इनकी माता। हाँ जी, मेरा वोट था, ये मेरी माता जी हैं, इनका ही वोट था ये, उषा रानी के नाम पे। मौके पे मौजूद था सर, मैं मौके पे मौजूद था। मेरा कहने का ये मतलब है, अगर पढ़े लिखे इंसान के साथ ये ऐसे करे तो अनपढ़ के साथ कितने धोखेधड़ी होगी। हमारे को मत का ही सही उपयोग नहीं करने दिया जा रहा तो इस संसार का और दुनिया का क्या होगा। तो इसके ऊपर मैं चाहती हूँ कि अच्छी पकड़ हो और पूरा रिकॉर्ड चेक किया जाए, क्योंकि हमारे साथ साथ यहाँ पर और लोगों का भी फ्रॉड हो रहा है। हाँ जी, तो मैं यही चाहूँगी कि इस मत का दुरुपयोग ना हो, सदुपयोग हो। सर, आप RTI से रिकॉर्ड ले सकते हैं इसका, एक ही सीरियल नंबर के दो अगर एंट्री हो रही हैं और दो जगह वोट गए हैं तो वहाँ से क्लियर हो जाता है कि ये गलत हो रहा है सारा कुछ। इसको सरकार, इसकी चेकिंग हो ही जाए। क्या नाम है, कहाँ रहते हैं आप? मेरा नाम एडवोकेट कविता दत्त है और मैं यहाँ रामनगर में रहती हूँ। समाचार एक्सप्रेस के माध्यम से मैं सभी प्रदेशवासियों को, सभी करनाल जिलावासियों को भारतीय जनता पार्टी जिला करनाल की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं इस दिवाली की प्रेषित करता हूं। यह दीपावली पूरे समाज को एक उजियारा दिखाए, शुभ दिवाली घरों में नूतन बनकर के आए, धन धनाढ्य से परिपूर्ण हो, आम जन सुखी हो, 36 बिरादरी का भाईचारा कायम रहे, ऐसी शुभकामना मैं इस दिवाली के पर्व पर आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को करता हूँ। जिला अध्यक्ष जगमोहन आनंद की ओर से सभी प्रदेश वासी तथा जिले वासियों को धनतेरस, शुभ दीपावली तथा भैया दूज की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जिला अध्यक्ष जगमोहन आनंद कामना करते हैं कि आपका परिवार सदैव खुशहाल रहे और धन धान्य से भरपूर रहे। सभी प्रदेश वासियों तथा जिले वासियों को एक बार फिर से जिला अध्यक्ष जगमोहन आनंद की ओर से आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। JBD Banquets lie hai, Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।